हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पीएम किसान का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में पीएम किसान लिख लेंगे, उसके बाद सर्च कर लेंगे, उसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे और ये जो वेबसाइट पीएम किसान की दिख रही है इसे ओपन कर लेंगे। ये हिंदी में है, इसे हम इंग्लिश में कर लेंगे। इसमें दिख रहा है बेनिफिशरी स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, कैप्चा भरने के लिए कहा जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता होता है तो आप गेट डाटा के ऊपर देख सकते हैं नो योर रजिस्ट्रेशन, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन मांगा जाता है, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर तो आधार नंबर डालकर, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर। मैं मोबाइल नंबर से सर्च करता हूँ, यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। मैंने नंबर हाइड कर रखा है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। यहाँ कैप्चा भरेंगे, कैप्चा डालने के बाद गेट मोबाइल डाटा पर क्लिक करेंगे। गेट मोबाइल ओटीपी करके आता है, मोबाइल ओटीपी आ गया है। हम यहाँ पर मोबाइल ओटीपी अपना डालते हैं और गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, किसान का जो नाम है वो नाम आ गया है। अब इसको हम यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वहाँ हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बैक करते हैं। बैक करके फिर से जाते हैं, फिर बेनिफिशरी स्टेटस में जाते हैं। यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और कैप्चा भर के गेट डाटा क्लिक करते हैं। देखिए किसान की जो भी जानकारी है खुल चुकी है। मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से हाइड कर रखा है, इसकी वजह से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें किसान का लैंड सीडिंग, ईकेवाईसी स्टेटस और बैंक अकाउंट सीडिंग सारा पहरा ट्रिक लगा हुआ, मतलब सब सही है। और किसान की 13वीं किस्त उनके खाते में जा चुकी है। और आप जो भी डिटेल्स यहाँ से देखना चाहते हैं, 11वीं 12वीं किस्त मतलब जब भी आई है इनकी, तो आप देख सकते हैं इस खाते में गई है क्या है सारी। यहाँ से एलिजिबिलिटी स्टेटस में सारी इनकी चीज़ें दिखाई देंगी। वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब।